हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट बुक करते हो, ऐसे में वो प्रोडक्ट हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है आप ना भी पसंद आए, तो ऐसे में अगर उस प्रोडक्ट को आप रिटर्न करना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना होगा, कैसे आपका प्रोडक्ट जो होगा वो रिटर्न होगा। रिटर्न करने में दो पॉलिसीज होती है, रिप्लेस और रिटर्न। ठीक है, तो रिटर्न जो होता है यानी जिसमें आपका जो पैसा है वो रिटर्न दे दिया जाता है, लेकिन जो रिप्लेस होता है उसमें आपका जो प्रोडक्ट है उसे एक्सचेंज किया जाता है, दूसरा प्रोडक्ट को दिया जाता है, जिसमें आपको कोई भी चार्ज तो नहीं दिया जाता है लेकिन आपके पैसे रिफंड नहीं होते हैं। क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट पे आपको रिटर्न की पॉलिसी नहीं दी जाती है, सिर्फ आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। ऐसे में मैं ये भी बताऊंगा कि उस प्रोडक्ट को आपको कैसे रिटर्न करना है एंड रिफंड लेना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, एंड अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो सोल्यूशन इस वीडियो में है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, एंड लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है एंड आपका जो प्रोडक्ट होगा वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, मान लो अगर कोई प्रोडक्ट आपने बुक किया है, उस पर रिटर्न वाली पॉलिसी नहीं है, सिर्फ रिप्लेस वाला पॉलिसी है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है कि अपने उस प्रोडक्ट को आपको अगर रिफंड लेना है तो सबसे पहले जाके उसे रिप्लेस करना है, एंड दोबारा जब रिप्लेस करोगे वो प्रोडक्ट जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट आपके पास में आएगा। तो क्या होगा कि आप उसे जब दोबारा आ जाएगा उसके बाद में आप उसे रिटर्न कर पाओगे। जैसा कि अमेज़ॉन का पॉलिसी क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट एक बार रिटर्न होता है, रिप्लेस होता है, दोबारा अगर प्रोडक्ट आता है एंड यूजर्स को नहीं पसंद आता है तो ऐसे में अमेज़ॉन की पॉलिसी के हिसाब से उसे मतलब रिफंड देना पड़ता है कंपनी को। ठीक है, जो भी शॉप है वो रिफंड आपका कर देती है। जब दोबारा प्रोडक्ट आ जाएगा तो हमें उसे रिटर्न कर देना है। ऐसे में मैंने अपने कैमरे के लिए एक ट्राइपॉड बुक किया था, जो कि मुझे पसंद नहीं आया, मैं उसे रिटर्न करना चाहता था, रिफंड लेना चाहता था, बट वो पॉलिसी उस पर नहीं है, रिटर्न सिर्फ कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ उसे रिप्लेस सिर्फ कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ पहले उसे रिप्लेस करूँगा एंड उसके बाद में जब दोबारा प्रोडक्ट आएगा तो मैं उसे रिटर्न कर सकता हूँ। तो चलिए कैसे रिप्लेस करना है वो हम आपको दिखा देते हैं, एंड अगर आपके रिटर्न पॉलिसी है तो आप रिटर्न तो आसानी से कर ही सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, एंड वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो सिंपल यहाँ हमें अपने अमेज़ॉन के एप्लीकेशन में आ जाना है, एंड यहाँ पे हमें क्या करना है कि ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे चले जाना है। ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे जाएंगे जब हम यहाँ पे, तो हमारा कुछ इस तरीके से वेब पेज ओपन हो जाता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है जिसको आपने बुक किया था वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको रिटर्न एंड रिप्लेस आइटम के ऑप्शन पे क्लिक करके अंदर जाना है, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन चुनना है, चूज रिस्पांस। क्यों आप रिटर्न करना चाहते हो तो ऊपर वाला आपको सिलेक्ट करना है, यानी परफॉर्मेंस क्वालिटी नॉट एडुकेट, यानी हम संतुष्ट नहीं हैं परफॉर्मेंस क्वालिटी से, एंड ये ऑप्शनल होता है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो या इसे छोड़ भी सकते हो, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट सेटिस्फाइड, यानी हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, या आप इसे छोड़ भी सकते हो क्योंकि ये ऑप्शनल यहाँ पर होता है। तो हम लिख देते हैं नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम प्रोडक्ट, एंड यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपको दूसरा ऑप्शन ओपन होता है, यहाँ पर आपको टिक करना है एंड कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको दूसरा पेज होता है, यहाँ पर आपको डेट दिया जाता है, यानी किस डेट को आप, यानी अपना प्रोडक्ट जो डिलीवरी बॉय आएगा वो आप उसे किस डेट पे बुलाना चाहोगे अपने प्रोडक्ट को देने के लिए जब वो लेने आएगा। तो हम यहाँ पर कल का डेट सिलेक्ट कर देते हैं 25 को, एंड कंटिन्यू रिटर्न पे क्लिक कर देते हैं, कन्फर्म रिटर्न पे, एंड अब हमारा फाइनल पेज आ जाता है, यानी अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैंसिल हो चुका है एंड रिटर्न हो चुका है, एंड अब हमारा जो डिलीवरी बॉय होगा वो यहाँ हमारे यहाँ पर आएगा एंड कॉल करेगा, एंड उसे हमें प्रोडक्ट को दे देना है, एंड वो प्रोडक्ट लेकर जाएगा, एंड 2-4 दिनों में हमारा दोबारा प्रोडक्ट रिटर्न यानी आ जाएगा रिप्लेस वाला, एंड जब वो प्रोडक्ट आएगा तो हम इसे आसानी से रिटर्न कर सकते हैं एंड रिफंड ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई हुई, वीडियो पसंद आई है। इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।